यमुनानगर के एक रिहायशी इलाके में जोरदार धमाके के साथ लोगों के घरों की वायरिंग आग उगलने लगी और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जोरदार था कि आस पड़ोस के घरों की दीवारें और लेंटर तक में दरारें आ गई। दरअसल कॉलोनी के घर में शादी थी और जब उस घर पर इलेक्ट्रीशियन सजावट के लिए लाइटें लगा रहा था तो ऊपर मौत की तरह मंडरा रही 66,000 किलोवोल्ट की हाईटेंशन तारों ने यह जोरदार धमाका कर दिया। घायल अस्पताल में उपचाराधीन है और लोगों में रोष है कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये जी आज आप यहाँ पर लड़ियाँ लगाने के लिए आए थे, मैकेनिक जो लड़ियाँ लगाने के लिए, घर में आदमी कोई भी ना थे, कोर्स और थी, बाकी हम सब मार्केट में गए हुए थे शॉपिंग के लिए। ये क्या है जी, लड़ियाँ लगाने के लिए बंदे ने क्या, ये यहाँ से 66,000 KV की बिजली की लाइन जा रही है जी। यहाँ पर हमने पहले भी कई बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं बिजली वालों को भी, ये घरों के ऊपर से हटनी चाहिए, कोई ना कोई हादसा डेली होता रहता है यहाँ पर, लेकिन अब आज तक हमारी किसी ने कोई ये कंप्लेंट नहीं अब तक, ना बिजली महकमे ने ना किसी आदमी ने भी नहीं सुना आज तक। तो हम ये लड़ियाँ लगाने लगे जिसके कारण आज एक आदमी की जान को जोखिम में डली हुई है, जो हम खुशियाँ बांटने वाले थे, लेकिन हम एक आदमी की जान के ऊपर बने हुए हैं इस टाइम, वो 50% जल चुका है आदमी। बिजली विभाग को SDO को कई बार इसके बारे में सूचना दी गई कि 64,000 KV की तार की यहाँ की जरूरत नहीं है और इसको काफ़ी पुरानी कई बरसों से है, जबकि उनका तर्क ये होता है कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक बाद में, ये मकान बाद में बने हैं और ये बिजली की तारें पहले की हैं, और इसके बारे में कई बार उनको SDO को, JEE को, सबको कंप्लेन की जा चुकी है, जबकि इसकी इन जो 64,000 KV की है इसकी बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये जो पड़ोस में शादी थी, इन ये लड़ियाँ वगैरह यहाँ पर फिटिंग वगैरह कर रहे थे, वो बुला रखे थे मतलब कि इलेक्ट्रीशियन, उन्होंने 66,000 की वोल्टेज में ना तार टच हुई वहाँ पे, वहीं पे मतलब बंदों का भी धमाका हुआ बहुत ज़बरदस्त, वो अभी 3 बंदे इंजर्ड हैं, जल गए सारे, जले हुए हैं, और साथ ही हमारा घर उनके साथ टच था, ऐसा जोर की धमाका हुआ कि सारी वायरिंग, सारी TV, फ्रिज, मीटर वगैरह सारा ही मतलब लेंटर तक में त्रेड़े, सारी त्रेड़े आ चुकी हैं।